हेलो हेलो, इसमें बोलना सर को फोन करके कि वो गौरव कुमार सिंह 12:07 वाले पे अनलॉक कर दीजिए। मुझे बताना। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? वीडियो दिख रही है? एक बार मुझे अपडेट करेंगे। और जैसा कि हमने बताया था, आपका ये क्लास इंडियन इकोनॉमी की है। एक बार जल्दी चालू कराएं, मुझे अपडेट करके। बात हुई? बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि बहुत साल बाद आप शायद पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें थीं। तो हर उस बच्चे का मैं स्वागत करता हूँ जो भी हमें देख रहा है, और उन पुराने बच्चों जो दोबारा जिनसे मुझे जुड़ने का मौका मिला है, मैं उनके लिए अपनी तरफ से बहुत सारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर मैं यहाँ पे सेलेक्ट होके यहाँ पे पोस्टेड हो गया हूँ, लेकिन आपकी क्लास मिस करते थे तो बस यूँ ही क्लास ज्वाइन कर लिया ताकि आपके साथ जुड़ पाएँ। तो उनके लिए भी ढेर सारा शुक्रिया। और वे बच्चे जो नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं और लगे हुए हैं, तो उनके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ। यदि आप जीएस के पैटर्न को देखेंगे, दो 4 मिनट इस पर बात कर लेते हैं। तो अपने पास पहले 7 सब्जेक्ट हुआ करता था जीएस में, 4 सब्जेक्ट एसएसटी वाला था, 3 साइंस वाला था। अब आजकल करेंट और स्टैटिक जीके पर काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं। और जीएस को यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं, 50% के आसपास, 50% यहाँ से कवर होते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग पेपर में अलग अलग डिमांड है। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी उम्मीद और भरोसे के साथ हम ये टॉप बैच आपके साथ शुरू करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपके जितने डाउट, जितने क्वायरीज हों, वो कवर कर पाएँ। हालांकि इस बैच का मेन बेस है हमारा एसएससी, लेकिन यदि आप पीसीएस और एसएससी के पेपर को देखेंगे तो एसएससी का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन टफ होता है, तो अपने आप पीसीएस लेवल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आईएएस का बिल्कुल हम नहीं आपसे प्रॉमिस करेंगे कि होगा नहीं होगा, नहीं, पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन आपके कवर हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपडेट आया क्या है? कर जाए तुम जल्दी बताना मुझे, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा ना, दिख नहीं रहा है। कॉल करो एक बार। चलिए, हाँ, आज 2-3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, फैक्टर्स, कारक। कहाँ करती है? हेलो, आज तो दिख ही नहीं रहा सर मेरे आईडी पे तो, इकोनॉमिक्स की क्लास आपने लॉक कर दिया है क्या सबके लिए?
ये परचेज का डिमांड कर रहा है। हाँ, इसका मतलब बाकी बच्चों के लिए परचेज का डिमांड कर रहा होगा। करो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना कि बच्चे हैं, जा रहा नहीं जा रहा, आवाज जा रहा नहीं जा रहा है। अब तो आ गए। सबके लिए अनलॉक कर दीजिए। अब एक बार मुझे आप बताएं, क्या आवाज क्लियर है? वीडियो पूरी अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही है? चलें, ठीक है, ऑडिएबल है। जय हिंद। अब मैं आपको देख पा रहा हूँ। बेसिकली कमेंट के लिए इधर साइड में टी बोर्ड लगा रखा है और सब लोग कह रहे हैं यस, क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलें, ठीक। हाँ, मैं डिस्कस करता कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं और इकोनॉमी क्या होती है, और इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड है तो कैसे है, क्या मीनिंग है, क्यों है, और इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड कब बनी। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को हम आपके साथ यहाँ पे कवर करेंगे। और मेरे बच्चों, हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। तो हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो हमने कहा था कि एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। और वहीं से माना जाता है कि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन है इसकी, क्या 1776 से पहले इकोनॉमिक्स नहीं था? तो जवाब है था कि था। उससे पहले, बिफोर 1776, इट वॉज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि शुरू में इकोनॉमिक्स किस बार किस सब्जेक्ट का पार्ट था? तो ये राजनीति विज्ञान का अंग था। अर्थशास्त्र शुरू में, प्रारंभ में राजनीति विज्ञान का अंग था। एक तो ये क्वेश्चन होता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इजी कर दी हैं। और एक क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स किस भाषा का वर्ड है? तो इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, और साथ ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक में एक शब्द है ओकियोनॉमस, और ओकियोनॉमस के हिसाब से इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज, यदि हम ये पूछें एग्जाम में कि अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ क्या है, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड। तो हमने कहा अर्थशास्त्र, सर सबका पीडीएफ मिलेगा क्या? सब मिलेगा मेरे दोस्त। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का अंग है, था। एडम स्मिथ ने उसे सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया, और इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा का शब्द है, और यूनानी में ग्रीक शब्द का जो मीनिंग होता है, सॉरी, ग्रीक में इकोनॉमिक्स वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। अब क्वेश्चन है कि क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ घर घर के मैनेजमेंट की बात करता है? तो जवाब है कि नहीं, इकोनॉमिक्स इसके बियॉन्ड भी बात करता है। तो इकोनॉमिक्स कैसे बात करता है, क्या बात करता है, उसको सीखते हैं एक बार। इकोनॉमिक्स कहता है कि कुछ बेसिक एक्टिविटी हैं इकोनॉमिक्स की, जिनको हम ले करके डिस्कस करते हैं। बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रियाएं, अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रियाएं क्या क्या बेसिक एक्टिविटी हैं? तो बेसिक एक्टिविटी में हम चार एक्टिविटी को रखते हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन आएगा कि किस किस
यदि हमें ये पता चले कि इकोनॉमिक्स मेनली करता क्या है, तो हम इजीली इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है प्रोडक्शन, उत्पादन, इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, इन्वेस्टमेंट, निवेश, और इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है कंजप्शन, उपभोग। दिस फोर एक्टिविटीज आर नोन एज बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रियाओं को हम बेसिक एक्टिविटी कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, कई बार एग्जाम में क्या करेगा, इसमें से एक ऑप्शन हटा देगा, बोलेगा कौन सी बेसिक एक्टिविटी है, यहाँ पे दे देगा सेविंग, यहाँ पे दे देगा इनकम, कुछ भी दे देगा। तो हमने कहा इन चार एक्टिविटी को बेसिक एक्टिविटी कहते हैं और इन्हीं चारों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स घूमता है। तब इन चारों को सीखना है हमें, तो इन चारों में पहला वर्ड हम देखते हैं, दैट इज प्रोडक्शन, उत्पादन। तो आप में इसको बताएंगे व्हाट इज प्रोडक्शन, उत्पादन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या होता है? तो जनरली हम, यदि हम टफ करें आपको इस पॉइंट को, अभी इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात करें, तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में यूटिलिटी क्रिएट करना, उपयोगिता निर्मित करना। और अभी हम और आप इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं जानते, तो इसलिए हम उस वर्ड को नॉट डिफाइन करके हम एक इजी शब्दों में कहते हैं। तो हम प्रोडक्शन का मतलब कहते हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना। जब भी हम कुछ निर्मित करते हैं, सेवाओं का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या कहा, दो चीजें होती हैं जिनका हम निर्माण करते हैं, एक तो होती है वस्तु, गुड्स, और दूसरा होती है सर्विस। क्या बेसिक डिफरेंस होता है वस्तु और सेवा में? तो आपसे मैं बोलूं, ये जो हमारे हाथ में स्केच पेन नहीं है, किसका एग्जांपल होगा? तो ये होगा गुड्स का। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है, किसका एग्जांपल होगा? गुड्स का। ये जो मैंने क्लॉथ्स पहन रखे हैं, किसका एग्जांपल होगा? गुड्स का। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, वो किसका एग्जाम्पल होगा? सर्विसेज का। हॉस्पिटल सर्विसेज, स्कूल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। तो कैसे पहचान रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को? तो हम कहते हैं कि गुड्स आर विजिबल, वस्तुओं को हम देख सकते हैं। गुड्स आर विजिबल, वस्तुएं दिखाई देती हैं। एंड तथा गुड्स आर टेंजिबल, वस्तुओं को स्पर्श किया जा सकता है। हमने कहा गुड्स आर विजिबल, वस्तुओं को देख सकते हैं, एंड गुड्स आर टेंजिबल, वस्तुओं को स्पर्श कर सकते हैं। बट परंतु सर्विसेज आर इनविजिबल, सेवाएं अदृश्य हैं, एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल, सेवाओं को स्पर्श नहीं कर सकते, अस्पर्शनीय। यह है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डिफिनेशन। तो हमने कहा गुड्स को हम देख सकते हैं, जैसे ये स्केच पेन मैं आपको दूं, तो ये किसके पास जा रहा है, ये दिखेगा और इसको टच भी किया जा सकता है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी बात किस तक पहुँची, किस तक नहीं पहुँची, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोग वापस कर दीजिए, मैं नहीं लेता। कुछ लोग के लेवल से, मतलब कुछ लोग का लेवल बहुत ऊपर है, तो नीचे लेवल पर लेके जा रहा हूँ, तो उनको भी फायदा नहीं होगा। तो लेकिन जैसे ही हम आपको
कपड़ा देंगे तो वो दिखाई भी देगा, स्पर्श भी किया जा सकता है। तो हम कहते हैं गुड्स आर विजिबल, गुड्स आर इनटेंजिबल, वस्तुओं को देखा जा सकता है, वस्तुओं को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। सॉरी, गुड्स को देख सकते हैं, सर्विसेज को देख नहीं सकते। गुड्स आर टेंजिबल, गुड्स को स्पर्श कर सकते हैं, और सर्विसेज आर इनटेंजिबल, सर्विसेज को स्पर्श नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन मेरे लाइफ का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ये पटना में किसी बच्चे ने लगभग 4 साल पहले पूछा था इस टॉपिक पर कि सर आई कैन विजुलाइज अ एक्ट्रेस, मैं किसी हीरोइन को देख सकता हूँ, बट आई कैन टच हर, परंतु मैं उसको स्पर्श नहीं कर पाता हूँ, तो इट इज गुड्स और सर्विसेज? दिखाई दे रहा है तो गुड्स का एग्जाम्पल होगा, बट स्पर्श नहीं कर पा रहा है तो सर्विसेज का एग्जाम्पल होगा उसके हिसाब से। तब आपको बताना है कि कोई बच्चा किसी हीरोइन को देख पाता है लेकिन स्पर्श नहीं कर पाता है, तो इज दिस एग्जाम्पल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और नाइदर? वस्तु का एग्जाम्पल है, सेवा का एग्जाम्पल है, दोनों का एग्जाम्पल है, दोनों में से किसी का भी नहीं? जल्दी बताइए, क्योंकि हमने यहां दोनों कंडीशन को फुलफिल किया, दिखाई दे रहा है गुड्स। जल्दी जल्दी जल्दी, आप सबके जवाब चाहिए मुझे। धर्मेंद्र करे बोथ, और इसके अलावा इट्स नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। रजत, नाइदर नाइदर बोथ, नाइदर बोथ। चले, कोई भी नहीं, नाइदर नाइदर नाइदर। हीरोइन अपना हो तो टच कर सकते हैं, दोनों का नहीं, सपना है। चले, तो लिविंग थिंग्स को हम गुड्स और सर्विस में नहीं रख सकते। सिंगर के द्वारा की गई सिंगिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस, लेकिन सिंगर एज ए इंडिविजुअल नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। टीचर के द्वारा की गई टीचिंग तो सर्विस है, लेकिन टीचर एज ए व्यक्ति ना ही वस्तु है ना ही सेवा है। एक्ट्रेस के द्वारा की गई एक्टिंग सर्विस है, लेकिन एक्ट्रेस एज ए व्यक्ति ना ही गुड्स ना ही सर्विस। तो हमने कहा कि लिविंग थिंग्स को हम गुड्स और सर्विसेज में नहीं रख सकते। चलो, दूसरा, ये तो हुआ एक बच्चे का क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया कि डीडीए के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर होम, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा या दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा हमारे घरों में जल की आपूर्ति, किसका एग्जाम्पल होगा? गुड्स का, सर्विसेज का? ना ही गुड्स ना ही सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बताओ, किसी के द्वारा हमारे घरों में जल की आपूर्ति, ना ही गुड्स ना ही सर्विसेज? अब देखें, गुड्स बोथ, सर्विस सर्विस सर्विस। चलिए, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज गुड्स और सर्विस दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो वस्तु होगी या तो सर्विस होगी। तो ये है सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तु की आपूर्ति इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, वस्तु की आपूर्ति सेवा का उदाहरण होता है। जैसे हम कहें रेस्टोरेंट के द्वारा हमारे घरों पर फूड की सप्लाई, तो किसका एग्जाम्पल होगा? सर्विसेज का। हम कहें आपसे किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, सर्विसेज। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की सप्लाई, सर्विसेज। तो जो भी कुछ सप्लाई की बात आएगी वो तो हमेशा क्या होगा? सर्विसेज का एग्जाम्पल होगा।
तो अब तक हमने दो बातें यहाँ पे सीखी हैं, प्रोडक्शन किसे कहते हैं और प्रोडक्शन में गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है। अब सीखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का कारक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का कारक क्या क्या होंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक क्या क्या होंगे? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज चाहिए होता है, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक, प्राथमिक कारक, दूसरा सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के द्वितीयक कारक। क्या क्या चीज चाहिए होता है यदि मैं आपसे पूछूं, क्या क्या चीज देंगे प्रोडक्शन के लिए? तो सर हम जिसके लिए पे करते हैं वो सर्विस, और जिसके लिए गुड्स लिए पे नहीं करते वो भी सर्विस। सर क्या मैं वीडियो को थोड़ा पीछे नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो प्राइमरी फैक्टर में हम, मेरे बच्चों, चार चीजें रखते हैं, लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी एंड एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। और इनके अलावा जो कुछ भी आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के अलावा, ऑल अदर फैक्टर्स, अन्य सभी कारकों को हम द्वितीय कारक के रूप में रखते हैं। इसका मतलब क्या है? वो चीजें जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, आरंभ, दैट आर प्राइमरी फैक्टर। और वो चीजें जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी फैक्टर। हमने कहा कि जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए वो प्राइमरी, और पूछ रहे हैं डीडीए वाले का आंसर क्या था, डीडीए वाला सर्विस का एग्जांपल था। हमसे एग्जाम में जनरली जब भी पूछता है मेरे बच्चों, तो वो हमसे प्राइमरी फैक्टर ही पूछता है। जैसे लास्ट ईयर ये हटा दिया और इसके जगह पर मशीन दे दिया और पूछा कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं, तो हमने कहा हर वो चीज जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो सारा का सारा प्राइमरी फैक्टर में रखा है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, जब हम किसी की बिल्डिंग लेते हैं तो हम उसके बदले में उसको क्या देते हैं? रेंट, लगान। तो एक क्वेश्चन तो यह हो गया एग्जाम में कि रेंट किसके लिए पे करते हैं, तो हमने कहा रेंट पे करते हैं हम बिल्डिंग के लिए, भूमि के लिए। अब क्वेश्चन है कि रेंट डिपेंड किस पे करता है? साइज ऑफ लैंड, भूमि के आकार पर, डिमांड ऑफ लैंड, भूमि के मांग पर, सप्लाई ऑफ लैंड, भूमि की आपूर्ति पर, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि के उत्पादकता पर। बताएंगे लगान किस पर निर्भर करेगा? डिमांड ऑफ लैंड, भूमि के मांग पर, सप्लाई ऑफ लैंड, भूमि की आपूर्ति पर, साइज ऑफ लैंड, भूमि के आकार पर, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि की उत्पादकता पर। कह रहे हैं ऑल, एसएससी में तो चार में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होगा ना मेरे भाई? चारों सही है, बिल्कुल सही बात, लेकिन चारों में सबसे अच्छा कौन सा है?
नहीं, आ ऑल ऑफ दिस तो नहीं, एक ही अटेम्प्ट करना है। चारों में सबसे मेन कौन सा है? डिमांड। तो इसका आंसर है दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि की उत्पादकता। जो भूमि जितनी अच्छे लोकेशन पर होगी, जो भूमि जितनी अच्छा रिटर्न देगी, उसका डिमांड उतना ही ज्यादा होगा। साइज पे होता तो गांव का मकान ज्यादा महंगा होता। दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि से मिलने वाला रिटर्न। लेबर को क्या देते हैं बच्चों? तो लेबर को हम लोग देते हैं वेजेस, मजदूरी। मजदूरी किस पे डिपेंड करती है? डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, साइज ऑफ लेबर, इफिशियंसी ऑफ लेबर। तो मजदूरी किस पे डिपेंड करती है? श्रमिक के योग्यता पर, इफिशियंसी पर। इफिशियंसी ऑफ लेबर। जैसे आप ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो आपका सैलरी कुछ और होगा, आप इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपकी सैलरी कुछ और होगी, और आप मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि क्लर्क बनेंगे तो आपकी सैलरी कुछ और होगी। तो जैसे जैसे इफिशियंसी का मीनिंग टाइम टू टाइम अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी इफिशियंसी का मतलब क्या होगा? मेरे विद्यार्थियों को कितनी मेरी बातें समझ में आ रही हैं। मेरे आपके इफिशियंसी का मतलब क्या होगा? रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश आपका कितना अच्छा है, इस बेस पर डिफाइन होगा। कैपिटल को क्या देते हैं? तो कैपिटल को अपन लोग इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज। सर बहुत तेज जा रहे हैं आप। तेज नहीं है, नॉर्मल। हाँ, दिक्कत क्या है कि क्लासेस में थोड़ा सा मजाक ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मजाक नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब मजाक नहीं होगा तो सीधे टू द पॉइंट पढ़ाना होगा। क्लासेस में थोड़ा बहुत आप चुल करते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको मजाक उड़ा देते हैं, ये बाकी अभी धीरे धीरे और धीमे हो जाएंगे। बाकी मेरा मानना है मुझे धीमा करने के बजाय थोड़ा सा आप लोग तेज हों। खैर कोई बात नहीं, कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज किस पर डिपेंड करता है? तो इंटरेस्ट कैपिटल डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ, थोड़ा धीरे धीरे सर, फर्स्ट टाइम, थोड़ा धीरे, तेज तो है नहीं, सही तो है, चलने दो, ठीक जा रहे हो सर, तेज नहीं है, यस। यूज ऑफ कैपिटल, कोई बात नहीं, आप लोग मालिक हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। आप दर्शक हैं और दर्शक वैसे ही, एक्टर वैसे ही एक्टिंग करेगा जैसे दर्शक चाहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यूज ऑफ कैपिटल, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट, जितने ज्यादा अमाउंट टाइम के लिए यूज करेंगे उतना ज्यादा टाइम के लिए इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो मालिक, ऑनर। तो इंटरप्रेन्योर या ऑनर को क्या मिलेगा? तो इंटरप्रेन्योर या ऑनर को मिलता है प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड्स अपॉन रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के जोखिम पर। रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योर, नहीं हर बार प्रॉफिट मिलेगा ये जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी मिलेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब कि ऐसा है कि ट्रक जा रहा हो, उसके आगे कूद करके फिर पीछे आ जाओ, कहें कि मेरे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। क्या होता है रिस्क? और मुझे लगता है एसएससी के बच्चे से अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता है रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है विच इज नॉट गारंटेड, जो निश्चित नहीं है। जैसे मकान मालिक ने बिल्डिंग रेंट पे दिया है तो मकान मालिक को रेंट मिलेगा ही मिलेगा, वेजेस को सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, कर्जे वाले ने इंटरेस्ट लेना ही लेना है, ये सारा का सारा रिस्क किसने लिया है? मालिक ने। तो रिस्क का मतलब होता है जो गारंटीड नहीं है। अब जितना बताया उसको एक बार समराइज करते हैं, समझना आप धीरे धीरे आराम से।
कि आखिर हमने सीखा क्या, क्या क्या एग्जाम का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स कहता है एग्जाम, एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना सबसे बड़ा रिस्क है। एसएससी भगवत गीता के सिद्धांत पर काम करती है, तुम कर्म की इच्छा करो, फल की इच्छा मत करो। सर एनटीपीसी का एग्जाम डेट कब है? सच बताऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए सच नहीं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स कहता है कि किसी भी देश में तीन लोग होते हैं, हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र, एओ में काम आ जाएगा सर, एओ में 70% आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा, मैक्रो में तो चाहे आईएएस में चले जाना दिक्कत नहीं आएगी। बोलोगे तो लास्ट में कुछ टाइम लगा तो गारंटी नहीं है, माइक्रो भी थोड़ा हाई लेवल तक लेके जाएंगे। रेलवे का एग्जाम 2024 के चुनाव के लिए रखा गया है, तो यदि आप रेलवे को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो आराम से तैयारी करें, क्योंकि नई सरकार के पास कोई और एजेंडा है नहीं, तो उसी रेलवे के एग्जाम के बेस पर ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। और ये मैंने 2 साल से कह रहा हूँ लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं। एनटीपीसी का एग्जाम 15 लाख के सपने की तरीके से, नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शन, देखो ये पुराने बच्चे ये समझते हैं, अभी तो बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और ये इतना दुखद है, मतलब मैं मजाक में कह रहा हूँ, मतलब मेरा तो कई बार मन करता है कि बस पूछो मत, बोल नहीं सकता हूँ ऑनलाइन। हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, लेकिन इतनी अच्छी मजबूत तैयारी रखो ना कि चाहे मतलब एक भी पोस्ट आए, जब भी आए कर जाओ। सर जेपीएससी के काम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यूपीएससी लेवल का पढ़ा दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक भी। इकोनॉमिक्स माइक्रो नहीं आता है यूपीएससी और जेपीएससी में, एसएससी में सिर्फ आता है, यूपीएससी लेवल का हो जाएगा पक्का, गारंटी के साथ। यूपीएससी में 5 ही चैप्टर आते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, उन पर यदि आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन हम कवर करने की स्थिति में होंगे, बैंक, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, प्लानिंग, बजट, बजट वाले में ही रख लो या टैक्स को अलग से रख लो, और एक थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक प्लान्स, स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती, बस इतना ही है यूपीएससी का मेन। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा है, हम मान लिए सर 2024 के आगे ख़त्म हो जाएगा। सर क्या यूपीएससी पूरी, अरे पूरा गारंटी से होगा। आप इकोनॉमिक्स में जहाँ से जो मन करे क्वेश्चन लेके आना, पूरा हाई लेवल तक चल लेना है, जहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ आप रोने लगोगे कि सर बहुत हो गया, 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक एक चैप्टर चलाऊँ। चलो अभी तक हमने कहा कि तीन सर यूपीएससी में वो करेंट से पूछता है, इको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इको के लिए दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ KD 0 KD 45, यस बत्रा सिनेमा। चलो हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देते हैं, लैंड देते हैं, भूमि। हाउस होल्ड का मतलब कौन है, हम और आप जो चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो हमें फॉर्म क्या होता है, जो प्रोडक्शन करता है कंपनी, ये हमें रेंट देते हैं, लगान। हाउस होल्ड हमें लेबर देते हैं, हमारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति या हम और आप कमाने जाते हैं, तो हमें इसके बदले में वेजेज मिल जाता है, मजदूरी। हम ही लोग इनको अपना पैसा देते हैं बैंक के थ्रू या डायरेक्ट, तो हमें इसके बदले में इंटरेस्ट मिल जाता है, ब्याज। हमारे ही बीच का कोई ना कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर, मालिक बनता है,
हमारे पिताजी किसान के रूप में या बिजनेसमैन के रूप में, तो उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। इन चारों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, निवेश। और ये चारों लोग इकट्ठा किसने किया? फर्म ने। अब फर्म क्या करेगा? तो फर्म करेगा प्रोडक्शन। तो फर्म किसके लिए प्रोडक्शन कर रहा है? फर्म प्रोडक्शन करेगा किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। पार्ले बनाना और पार्ले बनाकर इन तक, हम तक, आप तक पहुंचाना, कपड़ा बनाना और हम तक, आप तक पहुंचाना, शूज बनाना, हम तक, आप तक पहुंचाना। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? ये खरीद करके और इसको इनके बदले में पेमेंट देता है, भुगतान। अब कंपनी क्या करती है? इस भुगतान को लेकर के मकर मालिक को रेंट देती है, लेबर को वेजेस देती है, कैपिटल को इंटरेस्ट देती है, और बच गया तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज। और ये सारा सिस्टम चले किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट इसके लिए हमें आपको फैसिलिटी लाती है, सुविधाएं। फैसिलिटी किस बात की? लॉ एंड ऑर्डर की। फैसिलिटी किस बात की? पुलिस की। फैसिलिटी किस बात की? इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसके बदले में ये इनको क्या देते हैं? टैक्स, कर। सेम सरकार हमें आपको भी फैसिलिटी देती है, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, डिफेंस। तो हम भी इसके बदले में इनको क्या देते हैं? टैक्स, कर। यही पूरा का पूरा सिस्टम मेरे बच्चों क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। जो देश जितने अच्छे से इसको मैनेज कर जाता है, वो देश उतना ही आगे निकल जाता है। तो यहां पर हमने क्या सीखा? हु इज ओनर ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन किसके पास है? तो संसाधन किसके पास है? लैंड, लेबर, कैपिटल किसके पास है? तो बताओ, यदि बताओगे तो। देवव्रत, गुड इवनिंग बच्चे। हु इज ओनर ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन किसके पास है? जल्दी बताइए। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। रिसोर्सेज का मालिक कौन है? तो मेरे बच्चों, रिसोर्सेज का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। लैंड भी उसका है, लेबर भी उसका है, कैपिटल भी उसका है। उसके बदले में ये यूटिलाइज करते हैं तो पेमेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा आता है, कौन थ्री फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं? तो हमने कहा हाउस होल्ड, फर्म और यस, सबका जवाब सही है, गुड। अब मेरे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स कर क्या रहा है, यहां इकोनॉमिक्स करने का प्रयास क्या कर रहा है। तो ध्यान से देखो, तो इकोनॉमिक्स चीजों को मैनेज कर रहा है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है। रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि कुछ प्रॉब्लम है जिनको इकोनॉमिक्स सॉल्व कर रहा है इस चार्ट के थ्रू। जैसे हम और आप लाइफ को क्या कर रहे हैं, तो लाइफ के हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम देती है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि कुछ नई प्रॉब्लम है, और इस तरीके से हमारा लाइफ चलता जाता है। जो उस प्रॉब्लम को जितने अच्छे से हैंडल कर लेता है, वो लाइफ उतनी बेहतर इंजॉय कर लेता है। कुछ लोग उसी प्रॉब्लम में फेडअप हो जाते हैं, जैसे अभी आप में से बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जॉब नहीं मिलने के कारण या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, और कुछ बच्चे उसी में और मेहनत करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का काम करते हैं, और ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को और मजबूत करते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी क्या कर रहा है? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? केंद्रीय समस्याएं, तो इसकी वही समस्याएं हैं जो आपके हमारे लाइफ की हैं। जैसे जब आप ग्रेजुएट हुए तो आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया? तो 10वीं तक तो पता था कि 12वीं करना है, 12वीं के बाद पता था कि ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई हमारे आपके सामने?
तो ग्रेजुएशन के बाद जो हमारे आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हाट टू डू, क्या करूं। तो फिर अचानक पता चला कि एक पंचवर्षीय कार्यक्रम है भारत में कंपटीशन की तैयारी करना, और आपने अपने योग्यता और अपनी इच्छा के हिसाब से एसएससी रेलवे, यदि 7 साल का तैयारी करना था तो रेलवे ले लिए, 4-5 साल का करना था तो एसएससी ले लिए, 2-3 साल का करना था तो यूपीएससी। अच्छा, एक बात और आज की बात बता दूं, आप तैयारी कोई सा भी करो मेहनत उतना ही करना पड़ता है। आपको लगे कि रेलवे में ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ता है, एसएससी में ज़्यादा करना पड़ता है और आईएएस में और ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, सेम मेहनत करना पड़ता है। ये बस हमारे माइंड का एक वहम होता है कि छोटे एग्जाम के लिए कम और बड़े के लिए ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यदि आपके सपने अच्छे हों बड़े हों तो आपको उसके लिए लड़ना है। खैर, तो आपकी प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू डू, क्या करूं। तो अब आपने तैयारी का मार्ग अपनाया और आपने ये प्रॉब्लम ख़त्म कर ली। फिर वह हाउ टू डू, कैसे करूं। तो फिर आपने अलग अलग कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया और वहां से आपने उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया, और आज तक वो दूर किसी किसी का हो भी गया, किसी किसी का हो जाएगा, नहीं हुआ है तो पक्का होगा। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा कि जो भी पढ़ने वाला बच्चा नौकरी लगी, किसी की 2 साल जल्दी लगी, किसी का 1 साल बाद में लग गया, ये हुआ। सेम यही प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की भी है, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। यदि डिफेंस पे करते हैं तो एजुकेशन रह जाता है, एजुकेशन पे करते हैं तो हेल्थ रह जाता है। कह रहे छोटे एग्जाम के क्वेश्चन इजी आते हैं, ऐसा तुमको लगता है क्या, बड़े एग्जाम के तैयारी करने में छोटे एग्जाम में नहीं शामिल होते। बीस किलो का गोला फेंकोगे तो 10 किलो का फेंक लोगे निकम्मे, यदि 10 किलो का गोला फेंकने का प्रयास करोगे तो 8 के ही फेंक पाओगे। इसीलिए तैयारी मजबूत वाली कीजिए, या तो पीएम या तो सीएम या तो डीएम, तीसरा कोई जगह नहीं देश में। बाकी आप जो कर रहे वही कीजिए, अपने टारगेट को नहीं चेंज करना है, भरोसा रखना है खुद पे और हमारे जैसे कुछ टीचरों पे जो अपना प्रॉमिस कर रहे हैं तो पूरा करेंगे, आपने घबराना नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, एंड होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। जैसे आपने लाइफ में टारगेट कर लिया क्या करना है, तो आपने डिसाइड किया एसएससी यूपीएससी जो भी आपने कहा, यस मोहित चौधरी, तैयारी अच्छे से की जाए तो नौकरी लगती है, मेरी भी लग गई है, गुड, कंपटीशन हर जगह होता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें, तो ये किसके लिए करें का अभी आप लोग ढूंढ रहे होंगे, किसी को कह पाए कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये करूँगा ये करूँगी। अब प्रश्न है कि ये तीनों प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के सामने क्यों आए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। एक है मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं, क्या सर मैं यूपीएससी कर सकता हूं। ये मेरे बच्चे मेरे से पूछने के बजाय अपने आप से पूछो, जिस दिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा ये कह देगी कि यस तुम कर सकते हो, उस दिन तुम कर जाओगे। मैंने लाइफ में एक पॉलिसी अपनाई है, आप भी अपना सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यदि आपको ना पता हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि आपको लग गया कि आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये मेरे से पूछने के बजाय क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, आप ही के जैसे मेहनती और योग्य लोग करते हैं, ग्रेजुएट लोग करते हैं। और देखो, बात करना ना करने की नहीं है, हर बार लड़ाई लड़ी जाए और जीत हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, बस ये देखा जाता है
कि लड़ाई के समय आपने गोली सीने पे खाई थी या पीठ पे? हारना जीतना तो चलता रहता है यार, हम लोग UPSC नहीं किए तो क्या हमारी लाइफ नहीं चले? बढ़िया चल रही है, आपके ऐसे बच्चों के साथ मिलने का मौका, बात करने का, आपका प्यार, बहुत कुछ मिल जाता है। उस समय लगता था यार अब ज़िंदगी कैसे चलेगी, अब तो सब खत्म होंगे, फ्रस्ट्रेशन ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ आपको बहुत तरीके से ट्रेंड करती रहती है, खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए, मजा आएगा। और फ्रस्ट्रेटेड निकम्मों असफल लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहो। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, वाई क्यों ये करना पड़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस? चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। अधिकांश लोग खूब मन से तैयारी करते हैं, भारत के सबसे अच्छे अध्यापकों से पढ़ते हैं, सबसे अच्छी बुकों से पढ़ते हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत भी करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती, कहाँ कमी रह जाती है? आपने अपने सीनियर्स को देखा हो जो फेल हो गए, तो आपको एनालाइज तो कर पाते होंगे कमी कहाँ रह जाती है। योर KDGS 31 बैच हॉल नंबर 70 है, सबास क्या बात, बताएं कमी कहाँ रह जाती है, क्या दिक्कत रहती है? जैसे आपने देखा हो किसी बच्चे को, वो बता पाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाए तुरंत समझना। मैं चाह रहा हूँ कि आप ही बताएं। तो दिक्कत क्या रहती है कि हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं 30 लाख, 32 लाख लोग, 32 लाख लोग एवरेज ग्रेजुएट हो रहे हैं। इस बार तो वो भी लग रहा है कि नहीं होंगे कोरोना की वजह से, लेकिन एवरेज 32 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। और वैकेंसीज कितनी है ऑन एवरेज? 1,80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, यही है पूरे साल में। तो ये जो 30 लाख लोग हैं, ये फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं। तो हमने कहा सब कोई अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रहा है, सब कोई अपने डेडिकेशन के साथ कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। सीमित संसाधन। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, सीमित संसाधन। रिसोर्स कम है, यदि हमारे पास टाइम ज्यादा होता, पैसे ज्यादा होते, तो हमें क्या जरूरत होता है अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए मुखर्जी नगर में आकर के, घर परिवार से दूर, जब पूरी दुनिया ये दिवाली मना रही होती है, हम मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया कोरोना कोरोना कर रही है, वो कोरोना वो कोरोना, और हम यहाँ इकोनॉमिक्स का ये डिमांड सप्लाई सीख रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस कम है। कभी आपने सुना कि उन्होंने एकेडमिक पास करने के लिए ट्यूशन किया, BA में एग्जाम पास करने के लिए ट्यूशन किया? तो ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। तो हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा मेरे बच्चों कि स्कैर्सिटी मेन प्रॉब्लम है, और जब स्कैर्सिटी रहेगा तो चीजों को मैनेज करना जरूरी हो जाएगा। अब थोड़ा समझो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इसको खत्म करने के लिए जॉब जनरेट करना होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके अच्छे दिन किसी और के प्रयासों से नहीं आएंगे, आपके अच्छे दिन अपने प्रयासों से आएंगे। क्या इस बेरोजगारी में इन 2 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कोई आप ये रिक्वेस्ट मत करो कि सरकार जॉब जनरेट करे और ये करे वो करे, आप इतना मजबूत कर दो, आप शायद भूल जाते हो यार, आप निकम्मे नकारे हो जाते हो कई बार, आपके अंदर की जो जोश जज्बा है वो कम हो जाता है। मैथ में 22 ही टॉप चैप्टर तो है, कितना एक बार सीरियस लगो तो, एक बार एक चैप्टर को उठाकर ढंग से खत्म तो करो। 17 चैप्टर GS में, सॉरी इंग्लिश में, रीजनिंग में 2-3 चैप्टर को छोड़ के कोई मैं चैप्टर नहीं मान रहा। जो थोड़ा बहुत दिक्कत है GS में, GS बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेसिक। आप एग्जैक्टली मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब से मैंने गुरुकुल चलाया है, साथ में बच्चों को अपने साथ रखता हूँ, आप में से अधिकांश लोग फेल होने के लिए पढ़ते हैं। आप मतलब सीरियस ही नहीं, मतलब आप जैसे 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठे तो आपने 3 घंटे प्रोडक्टिव नहीं पढ़ा। आप उस 3 घंटे मोबाइल भी इंजॉय करना चाहते हो, आप उस 3 घंटे में बाहर क्या चल रहा है वो भी देखना चाहते हो, आप ये एनालाइज नहीं करते हो कि जी मैंने आज 3 घंटे पढ़ा तो 3 घंटे का आउटपुट क्या रहा। आप पढ़ने से बैठने से पहले आपने डिसाइड नहीं किया कि अभी आज ये पढ़ना है इस कारण से। बल्कि मैं सच्चाई बताऊँ, भारत में कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है जो इतना कम मेहनत करके आपको आने वाला फ्यूचर 3 स्टार के साथ शुरू करता हो, मजा आता हो।
अभी देख लो लॉकडाउन में बड़े बड़े लोग की हालत खराब है। खैर, तो आप इसकी डिमांड ना करें। करे बफरिंग हो रहा है, नहीं आग लगा दी, नहीं आग होनी ही चाहिए। मरे हुए लोगों के लिए कंपटीशन का फील्ड नहीं है, जिंदा चाहिए। और जिंदा कब होंगे? जब अपने आप से खुश होंगे। और अपने आप से खुशी कब आएगी? जब आप अपना काम ईमानदारी से करके जाएंगे। यदि मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा के जाऊँगा ना, तो मुझे जोश जज्बा रहेगा, और आज मैं यूँ ही टाइम पास कर जाऊँगा, तो मेरा आने वाला टाइम जो अब शाम का होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। और ये साइक्लिकल चलता है। आप किसी दिन याद करो, जिस दिन मेहनत करके पढ़ के सोते हो रात को लेट से, उस दिन सुबह जल्दी आपकी आँख खुलती है। और जिस दिन जल्दी सो जाते हो, कल सुबह जल्दी जगूंगा, उस दिन अगले दिन मन में क्या कहता है? अरे सुबह क्या है, सुबह तो अखबार वाले उठते हैं, मैं दिन में उठ के पढ़ूंगा। तो सारा का सारा गेम मेंटल है। और वो कब आता है? जब आप ढंग से मेहनत करते हो। चलो ठीक। अब मेरे बच्चों, इकोनॉमिक्स को आपके लाइफ को यूटिलाइज करना है। क्या इकोनॉमिक्स कहता है? हमने कहा रिसोर्स कम है और फिर भी हमें अच्छा करना है। तो देखो, हमारा वेद, हमारा साइंस क्या कहता है कि जब इनपुट डालेंगे आउटपुट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पढ़ोगे और सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूं, आप यदि 10% मेहनत करेंगे 10% रिजल्ट आएगा। आप 20% मेहनत करेंगे 20%, आप 100% मेहनत करेंगे 100% रिजल्ट आएगा। आप नवीन का इंटरव्यू देखना जो इस पर थर्ड रैंक है टॉपर, उसको मैंने देखा कि 100% क्या होता है। वो चाहिए आपके अंदर वो जज्बा, वो निकम्मे नकारे के तरीके से नहीं कि कब एग्जाम होगा तो पढ़ूंगा, अभी पता नहीं एग्जाम का चलें। क्या एग्जाम आज होता तो पास कर देता, तो जवाब है नहीं। तो हम क्या करें, इनपुट होता तो आउटपुट आ जाता, इनपुट होता है तो आउटपुट आता है, ये पक्का है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप काम करेंगे तो बात बनेगी। इकोनॉमिक्स कहता है नहीं, कैसे मिनिमम इनपुट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। दिस इज इकोनॉमिक्स। 5 साल पढ़ के आप ऑफिसर बन गए तो बड़ी बात नहीं है, 4 अटेम्प्ट दे करके आप ऑफिसर बन गए तो बड़ी बात नहीं है। मदद तब है जब 1 अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में बात बने, और कर सकते हैं। बस ये मूर्खों का यूट्यूब वाला जो सेशन है और ये सब से चीजों से बचना है, 3 सेकेंड का जादू और 4 सेकेंड का। खैर उस पर कोई कमेंट नहीं, अपना अपना बिजनेस पॉलिसी और अपना अपना इंटेलेक्चुअल लेवल है आपका हमारा। तो इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है सिंपली कि मिनिमम इनपुट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट लाया जाए। इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। डेफिनेशन वाइज बात करें तो, यदि आप लिखते हो तो, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच इज डील विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसका आधार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसका आधार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। क्लियर है यहां तक? इकोनॉमिक्स क्या है? तो मैंने कहा कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल से समझो, ये अपने अपनी योग्यता और क्षमता पे डिपेंड करता है। आप देखा करें, कोई उतना ही कमाने वाला व्यक्ति कर्जा ले रहा होता है और कोई उतना ही कमाने वाला व्यक्ति कर्जा दे रहा होता है, तो सिंपल सा मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग में मिसयूज हुआ है। आपके आपका बर्थडे हो और आपके घर वाले आपको 4,000 रुपये दे दें, तो आप क्या करेंगे उस 4,000 रुपये का? कोई हो सकता है उसको बचा के रख ले, कोई हो सकता है दोस्तों को पार्टी दे दे, कोई हो सकता है कि अपनी बुक खरीद ले, कोई हो सकता है कि कहीं से कर्जा ले और कर्जा वापस कर दे। यानी अलग अलग लोग अलग अलग कर सकते हैं। यही हमारी लाइफ है, जो जितना बेहतर अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यही जो हमारा अभी 6:30 से 8 का टाइम है, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम को पबजी खेलने के लिए यूज करेंगे, किसी के साथ चैटिंग करने के लिए यूज करेंगे, किसी के साथ पढ़ने के लिए यूज करेंगे, कुछ लोग सोने के लिए यूज करेंगे।
ये हमारे आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, और जितना ही बढ़िया चॉइस होता है उतना ही बढ़िया ऑप्शन आता है। इकोनॉमिक्स है ही सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, विकल्प, कितना अच्छा आप विकल्प को चुनते हैं। आप देखो ध्यान से, कोई व्यक्ति था चाय बेचते बेचते देश का पीएम बन गया, और कोई व्यक्ति है पीएम का बेटा था, लगता है चाय ही बेचेगा। तो मीनिंग क्या है, दैट इज आपने कैसे यूटिलाइज किया। आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपसे पीछे थे, आज आपसे आगे हो गए होंगे। बहुत सारे लोग जो आपसे आगे थे, आप उनसे आगे हो गए होंगे। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे। आपने देख लो, आप में से अधिकांश लोग लॉकडाउन में आपने क्या आउटपुट लिया है। बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, हो सकता है उन्होंने खराब कर दिया। बहुत सारे बच्चे जिनका खराब रहा हो, किसी तरीके से कमी रही होगी, उन्होंने अच्छा कर दिया। तो हमने सिर्फ आपको एक पॉइंट सिखाया है अब तक कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमने कहा इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो संसाधनों के उपयोग की बात करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये सारी की सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम एक अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्या होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कोई बताएंगे आप में से? आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा यूएस इकोनॉमिक्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स हर जगह का सेम होता है, बिकॉज मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एक ही है। मेन तो एक ही होता है। अब दिक्कत क्या है कि हमारे आपके लाइफ में प्रॉब्लम इतनी है कि हमें लगता है एक प्रॉब्लम तो होती ही नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी। तो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम एक ही, और एक ही उसी एक प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम जनरेट है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज अ थियरी बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट। अब कोई देश इसको कैसे अप्लाई कर रहा है, वो उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमने कहा कि हमारे देश में रिसोर्स बहुत है, हमने कहा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमें कैसा इकोनॉमी बनाना चाहिए ह्यूमन के बेस पे। हमने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, तो हमें कैसी इकोनॉमी बनाई टेक्नोलॉजी बेस। तो जिस देश के पास बेसिक एक्टिविटी में केवल प्रोडक्शन, और बाकी सर बाकी आने गए, एक्सचेंज आया नहीं, कंजप्शन आया नहीं, अब अलग अलग से नहीं बताऊंगा ना मेरे बच्चे, वो चारों साइकिल एक ही था, उस एक प्रोडक्शन से हमने चारों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज करना, इन्वेस्टमेंट करना, और फिर कंज्यूम करना। तो हम कह सकते हैं अप्लाइड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जो देश होगा उसका अपना अपना तरीका होगा, इसीलिए इकोनॉमी कंट्री टू कंट्री डिफर करेगी। और हम सीधे एक पॉइंट पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सीजीएल मेन कब तक होगा मेरे बच्चों? मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है सितंबर से पहले कोई एग्जाम एसएससी नहीं कंडक्ट कर पाएगी। बहुत कुछ डिपेंड करेगा जून के सिचुएशन पर, क्योंकि अभी जितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, आपको रियल ग्राउंड पता है नहीं पता, यदि किसी जानने वाले के साथ हुआ हो तो आपको पता चलेगा, देश के पास रिसोर्स नहीं है इतने लोगों को मैनेज करने के लिए। तो जून की कंडीशन डिपेंड करेगी कि आगे क्या होगा, एग्जाम सितंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जून सबसे खतरनाक बता रहे हैं, और इसलिए आप लोग को बहुत बचाव के साथ रहना है। 6,000-7,000 डेली केस बढ़े, अभी और तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने इधर उधर पलायन किया है। तो अभी आप कभी भी हो, सर टेस्टिंग लो है, टेस्टिंग का तो चलो लो और हाई की बात नहीं कर सकते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर रहा है,
लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जिसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, सरकारें और अच्छा कर सकती थी, और ये हमेशा एक वर्ड रहेगा कि सर आप और अच्छा पढ़ा सकते थे, मैं आपसे कह सकता आप और अच्छा पढ़ सकते थे, आप और अच्छा रैंक ला सकते थे, तो वो उसे नहीं चलेगा। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सबको मिलजुल करके रोल निभाना, हम और आप सोनू सूद तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके तरीके से अपने हिस्से का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? पूछ रहे हैं लॉकडाउन बता दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ये सही है क्या? यदि आप कांग्रेसी हैं तो लॉकडाउन गलत है, और यदि आप भाजपा ही हैं तो बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा कोई स्टेप नहीं हो सकता था, और आप भारतीय हैं, नागरिक हैं, तो आप कंफ्यूज हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाई मिक्स्ड इकोनॉमी एंड व्हेन मिक्स्ड इकोनॉमी? क्या अर्थ होता है? सर 9000 प्लस का अपडेटेड वर्जन कब आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, लॉकडाउन खत्म होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए हमने नई कर दी हैं, हमने फायदा उठाया लॉकडाउन का, पूरे जीएस की एक बुक ला रहे हैं बहुत अच्छे फॉर्म में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कॉमन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद और सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद, दोनों की विशेषताएं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों हो, क्लोज्ड और ओपन नहीं मेरे बच्चे, प्राइवेट और प्राइवेट, बफरिंग बहुत होती है, वीडियो क्वालिटी लो कर दीजिए। वीडियो क्वालिटी एक तारीख से पूरी तरीके से आपका सब कुछ नया होने जा रहा है, बस ये अगले एक दो दिन के बाद हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमने कहा जब किसी देश में, क्या कोई डेवलप कंट्री है मिक्स्ड, सबका जवाब देगा हम आपको, बस आप देखते जाएं, आपके मन में आने वाला हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, हमें ये पता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ क्लास की वो समझ पाते होंगे कि जहाँ तक आप सोचेंगे वहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे ही जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं पालना। आपने बस ये समझना है कि जो सर ने समझाया वो समझ में आया नहीं है, और नहीं आया तो हम आपको ऐसे एग्जाम्पल और कहानी आपको देंगे कि आपकी दिमाग की औकात नहीं कि समझ में ना आए, ऐसा होगा ही नहीं, हम आपको समझाएंगे। क्लासेस में थोड़ा आपको ज़्यादा छेड़ के समझाते थे, यहाँ थोड़ा प्रोफेशनल समझाते हैं, लेकिन यहाँ भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं ली। व्हाट इज कैपिटल इकोनॉमी? तो कैपिटल इकोनॉमी में उत्पादन कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन। एक ऐसा देश जहाँ प्रोडक्शन का सारा काम प्राइवेट लोग करते हैं उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट एयरलाइंस, सब कुछ प्राइवेट के पास होता है कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट में क्या होता है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकारी बैंक, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रेस्टोरेंट, सरकारी एयरलाइंस, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। सभी संसाधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अब मेरे बच्चों, इनका एम क्या होता है, लक्ष्य? बफरिंग हो रही है, आज बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत हो, आज दिल्ली में बारिश है और काफी मौसम खराब भी है, इस वजह से बफरिंग हो। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा ऐसा होगा तो। इनका लक्ष्य क्या होता है? हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप इंस्पेक्टर बन जाएं? हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके बच्चे आपको पापा कह पाए, मम्मी कह पाए? नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट के लिए।
150 में प्रॉफिट है नहीं है, लेकिन पर्पस तो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब गलत नहीं होता है। हम और आप प्रॉफिट जब वर्ड यूज करते हैं तो हम नेगेटिव सेंस में प्रॉफिट यूज करते हैं। प्रॉफिट का मतलब है कि मेरे पढ़ाने से आपका एग्जाम पास हो जाए, आपका प्रॉफिट है। और मेरा प्रॉफिट क्या है कि मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए, दैट इज प्रॉफिट। हालांकि हमने प्रॉफिट का मतलब उल्टा लगा लिया है, क्या ये मैं आपका कार्ड दूं, आप मेरा कार्ड दें, यानी एक दूसरे को मूर्ख बनाने का कोशिश। और इनका क्या होता है, इक्वल डेवलपमेंट, सबको साथ लेकर चलने का। समान विकास, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन सही है नहीं है? अरे निकम्मे, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, आप रुक तो जाओ 5 मिनट। पूछ रहे हैं कोई देश सोशलिस्ट है क्या, सब सबका जवाब मिलेगा, आपने बस आराम से समझते चलना है। तो हमने कहा कि इनका पर्पज क्या है, प्रॉफिट। इनका क्या पर्पज है, इक्वल डेवलपमेंट। इनमें प्राइस, कीमत कौन निर्धारित करेगा, तो यहां प्राइस डिसाइड करेगा मार्केट, बाजार, डिमांड एंड सप्लाई। हरियाणा में बारिश हो रही है, ओके। 2020 बहुत खतरनाक है। और इनका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, सरकार। कह रहे हैं एक साथ चलने का मतलब प्रॉफिट नहीं देखते, तो जवाब है नहीं। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर, कल्याण करना। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रेस्टोरेंट किस लिए चलते हैं आप देख लो, प्रॉफिट के लिए चलते हैं या वेलफेयर के लिए चलते हैं, सबको साथ लेके चलने के लिए चलते हैं, या जैसे DTC प्रॉफिट के लिए चल रही है, दिल्ली मेट्रो प्रॉफिट के चल रही है, नहीं चल रही है, सारा कुछ आपके पास है। अब पॉइंट है कि कैपिटलिस्ट का क्या फायदा है, सोशलिस्ट का क्या फायदा है। सर अब इसको बता सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? सब कुछ प्राइवेट के पास होगा तो उसका क्या फायदा होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रॉफिट क्या होगा? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रॉफिट है, चलो ये मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छे टीचर कहाँ हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल? तो जवाब है गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर कंपटीशन से आते हैं। ले हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट में। अच्छे डॉक्टर कहाँ हैं, तो अच्छे डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन हम और आप अपना इलाज कहाँ कराना चाहते हैं, प्राइवेट में। तब सोचने वाली बात है कि टीचर अच्छे हैं गवर्नमेंट में, बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, डॉक्टर अच्छे हैं गवर्नमेंट में, इलाज हो रहा है प्राइवेट में, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि पढ़ाई टीचर से होती है, हॉस्पिटल डॉक्टर से चलता है, तो टीचर अच्छे वहाँ पे हैं लेकिन हम पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, कह रहे हैं सर्विस बेटर होती है। अच्छा, और कोई वजह? देवव्रत क्या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? सर्विस बेटर, सबका यही जवाब है। चलो, गुड सर्विस एंड क्वालिटी, क्वालिटी मिलेगा प्राइवेट में, मेंटेलिटी है लोगों की अच्छा। तब एक कॉन्सेप्ट से समझो, प्राइवेट स्कूल का टाइमिंग मान लो 8 बजे है और मैडम गलती से 8:15 पे आई है सर, प्राइवेट टीचर, प्राइवेट स्कूल के टीचर बेस्ट होते हैं? निकम्मे, कंपटीशन प्राइवेट स्कूल में होता है या वहाँ मेकअप से बात बनती है? सीटेट, एसटेट,
एसएसबी ये सब इस प्राइवेट स्कूल को टीचरों से कराया था या गवर्नमेंट के? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की क्वालिटी हाई है। चलो हम किसी प्राइवेट टीचर पर प्रश्न नहीं लगा रहे, कुछ नहीं सर, बस फियर है। आप एक एग्जाम्पल से समझो, अब मैंने कहा 8 बजे टाइम है और गलती से मैडम 8:15 पर पहुंची, प्रिंसिपल पूछ लेगा कहाँ थी कहाँ थे, जब देखो तब लेट होते रहते हो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरे स्कूल का नाम बदनाम हो गया है। सर सॉरी, सर क्या सॉरी, जब देखो तब तुम सॉरी सॉरी, कल से लेट होना तो आने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ क्लास में। मैडम सॉरी सर सॉरी करके जल्दी जल्दी क्लास में गई। जो व्रत बाकी सबका ठीक है, अब क्लास है पढ़ा के प्रिंसिपल, मैडम ऐसा करो ना आज प्यून नहीं है। हाँ सर दिख तो रहा है, तो मैडम ऐसा करो चाय बना लो, आप भी पी लेना मैं भी पी लूँगा। सर माइंड योर लैंग्वेज, मैं चाय बनाने आती हूँ। मैडम चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो जाओ अकाउंट सेक्शन में जाके हिसाब कर लेना और कल से आने की ज़रूरत नहीं। सर मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या, ये बताइए ना कितना कप चाय बनाना है, 2 कप या 3 कप, मतलब क्या है इस कहानी का? प्राइवेट स्कूल के टीचर से हर वो काम कराया जाएगा जो कराया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल के टीचर आपने देखा होगा घर में रिपोर्ट कार्ड तैयार करते, कॉपी चेक करते, सरकारी मास्टर को देखा? सरकारी मास्टर ने हमसे आपसे ही करवाया, स्कूल में भी पढ़े होंगे तो आपको याद हो। तो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही है कि पैसा इतना दो कि कोई और ना दे पाए, लेकिन काम इतना ले लो कि कुछ और ना कर पाए। आप देखा करें, प्राइवेट जॉब वॉब किया होगा या आपके घर में कोई करता होगा, तो सुबह जब जाते हैं तो सलमान खान बने होते हैं और शाम तक आते आते राजपाल यादव बना देते हैं। दिस इज मीनिंग ऑफ प्राइवेट। इस पूरी कहानी का एक कंक्लूजन है, प्राइवेट काम करता है क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर, और जब भी किसी चीज में क्वालिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो जॉब ज्यादा होगा, जॉब ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, और टैक्स ज्यादा मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट रेट हाई रहेगा। यही कारण है कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करती हैं। सर मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था, सरकारी नौकरी करता हूँ, बट डिफरेंस दोनों में है। तो आप याद करो जब प्राइवेट जॉब करते थे तो आपको आप दुखी रहा करते थे, आपके आने जाने का टाइम नहीं था, अब आप खुश रहते हैं और आपके जाने का टाइम नहीं है लेकिन आपके आने का टाइम है। अब आपके सैलरी का डेट और टाइम फिक्स है, पहले डेट और टाइम फिक्स नहीं हुआ करता था, पहले समाज के लोग आपको संदेह की नज़र से देखते थे, अब आपको समाज के लोग आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। खैर सर थोड़ा फास्ट बहुत स्लो है, ठीक है जी अब फास्ट कर देंगे। अब इसका प्रॉफिट देखो सोशलिस्ट का, आजकल गवर्नमेंट वाले भी करते हैं घर पे काम रुक जाओ कोरोना तो खत्म हो जाने दो, यदि आप गवर्नमेंट वाले घर पे काम करें तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपको और काम दे। क्या प्राइवेट होना अच्छे होने की गारंटी है? तो अब एक एग्जांपल देख लो, आईआईटी किसका? गवर्नमेंट का। आईआईएम किसका? गवर्नमेंट का। एम्स किसका? गवर्नमेंट का। प्रतिभा विद्यालय किसका? गवर्नमेंट का। नवोदय किसका? गवर्नमेंट का। केंद्रीय विद्यालय किसका? गवर्नमेंट का। जेएनयू किसका? गवर्नमेंट का। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसका? गवर्नमेंट का। बीएचयू किसका? गवर्नमेंट का। तो बात प्राइवेट गवर्नमेंट की नहीं है, बात मैनेजमेंट की है कि आपने चीज़ों को कैसे मैनेज किया है। मुझे कुछ नहीं, मुझे इस बैच को ख़राब करना है तो क्या कर देना है, पहले दिन ही टफ टॉपिक पढ़ा देना है, जहाँ मन करे जहाँ मन करे ख़त्म कर देना है, जबकि पढ़ाने वाला वही, सब्जेक्ट वही, चीज़ों को मैनेज करना सबसे मेन है। तो सोशलिस्ट में क्या करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है?
नवोदय तो कह रहे हैं सब सेंट्रल लेवल की, क्यों दिल्ली का प्रतिभा विद्यालय, ये सब झूठी बातें। सेंट्रल है प्राइवेट, सरकारी बैंक देख लो। तो साथियों इनका है इक्वल ग्रोथ, इक्वल डेवलपमेंट, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब आप मुझे बताएं कि आप देश को क्या देना चाहते हैं, हाई डेवलपमेंट रेट या गरीबों को विकास, या दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं? तो जवाब है कि दोनों को साथ लेके चलना चाहेंगे, डेवलपमेंट रेट भी हाई हो और गरीब भी आगे बढ़ पाए। इसी सोच से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। और इससे हमने आपको यह भी जवाब दे दिया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो ना हो, प्राइवेटाइजेशन का पर्पज क्या होता है, सरकारें प्राइवेट करने का बहाना क्यों ढूंढती हैं। लॉकडाउन ने सरकार को एक अच्छा मौका दिया मैक्सिमम चीज़ों को प्राइवेट करने का, बहुत सारे वैकेंसीज धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे इसी लॉकडाउन के फेज में। आपने देखा होगा डिफेंस में जो इंजीनियरिंग सर में था दोनों ख़त्म कर दी। तो अब तक हमने बताया आपसे कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट का पर्पज़ क्या, सोशलिस्ट का पर्पज़ क्या, और हमने एक चीज़ और आपको सिखा दी वाई मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहां तक मेरे बच्चों, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, हमने आपको दो चीज यहां सिखाई है, कि व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वाई मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इंडिया अब कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहा है? इंडिया सच्चाई की बात है कैपिटलिस्ट ही है। यदि कैपिटलिस्ट नहीं होता, सोशलिस्ट होता, तो हमारे मजदूरों को रोड पे नहीं जाना पड़ता। सोशलिस्ट होता तो सरकार सबके आने जाने के लिए रेलवे का किराया नहीं मांगती। तो हम झुक चुके हैं कैपिटलिज्म की तरफ, हम थियोरेटिकली हैं मिक्स्ड। सीखेंगे जस्ट अभी 2 मिनट बाद इसका क्वेश्चन। हम धीरे धीरे प्राइवेट करते जा रहे हैं और करेंगे। अब है मेरे बच्चों, कब मिक्स्ड इकोनॉमी बने, तो इसके लिए एक हेडिंग डालो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, औद्योगिक नीति, सोशलिस्ट इकोनॉमी का बैकग्राउंड भी डिस्कस कर दीजिए। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी का बैकग्राउंड था रशिया, इसको हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं प्लानिंग चैप्टर में। सर जब कैपिटलिस्ट बेहतर है तो इंडिया में मिक्स्ड क्यों है? मैंने कहाँ कहा कि कैपिटलिस्ट बेहतर है? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो दोनों पॉइंट आपको बता दिया। मैं कैसे कह सकता हूँ कैपिटलिस्ट अच्छा है? मैं ये कह ही नहीं सकता कैपिटलिस्ट अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ जवाबदेही होनी चाहिए। यदि कॉलेज स्कूल का प्रिंसिपल मजबूत हो जाए तो किसी टीचर के औकात नहीं बदमाशी कर दें। तो दिक्कत क्या है कि हम सब ने अपने माइंड में डाल लिया है कि सरकारी नौकरी का मतलब ही है रेस्ट, कंफर्ट, अपना प्रॉफिट, कोई जवाबदेही नहीं। तब इसलिए हमारे गवर्नमेंट सेक्टर फ्लॉप हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं बाकी राज्यों के, तो मुझे नहीं पता, दिल्ली में बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल बिल्कुल शहर से दूर। तो इतना हमने तो बल्कि सरकार को प्रपोजल भी दिया था प्राइवेट स्कूल वाले पे कि हम आपकी बिल्डिंग को यूज कर लेंगे और हम उसको 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाएंगे। बहुत सारे प्रपोजल था, DU की तरफ से उन्होंने दिया था, वो हटा दो। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों अच्छा है। आज के टाइम में ज़्यादा झुकाव पूरे देशों का कैपिटलिस्ट की तरफ चल रहा है। दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी
इन भाई श्याम प्रसाद मुखर्जी ऑन 30 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल 1900, 6 अप्रैल 1900 फिर मिनिस्टर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, तो तुम क्या चाह रहे हो, गवर्नमेंट में जो थोड़ा बहुत सीट बचा है वो भी उन्हीं को दे दिया जाए? दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल भी तो अच्छे हैं सर, ये दिखावा है या रियलिटी? अब दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, दिखावा है रियलिटी है, एक बात ध्यान रखना लाइफ में, जिसका नाम होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है। हालांकि मार्केट में जब बताऊंगा आपको कि नाम दोनों तरीके से हो सकता है, एक एडवर्टीजमेंट से और एक काम से, काम वाले में टाइम लगता है लेकिन लास्ट में काम ही बोलता है। मैं एडवर्टीजमेंट से तुमको लेके तो चला आऊँ लेकिन लास्ट में क्वालिटी मैटर करेगी, तो यदि नाम हो रहा है तो कुछ ना कुछ दिल्ली स्कूलों में अच्छा हो रहा होगा। मिनिस्टर अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं, पढ़ाएं, हमें दिक्कत नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी ठीक कर दें। हम ये क्यों करेंगे कि आप सरकारी में इलाज करो, हम तो ये करें कि आप काम अच्छा करवा लो हमारे सरकारी में। अरे ये सब नकली बात है, जब तुम गवर्नमेंट ऑफिसर खुद बन जाओ, तुम खुद निकम में काम नहीं करते हो, तुम में से बहुतों को मैं जानता हूँ लूटना चाहते हो, ढूंढते रहते हो शिकार तुम भी। तो ये हमने कहा कि पहली पॉलिसी कब आई थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और 6 अप्रैल 1948 ही वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के पहले औद्योगिक मंत्री। बेईमानी ईमानदारी का जो होता है ना वो हम घरों से सीख के आते हैं सोच, और वो हमारा जो परवरिश आजकल मतलब चल रहा है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, हम अच्छा आदमी किसका जिसके पास बड़ी सुविधाएं हैं, और मतलब बहुत सारे कारण है, इस पर डिस्कस करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अरे क्यों पढ़ा रहे हैं, पर वो प्राइवेट में लेकिन है तो सोशलिस्ट, अब इस पर डिस्कशन नहीं है, बस ये ध्यान रखो क्वालिटी चाहिए हमें, ये मतलब नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ाओ या गवर्नमेंट में। यदि सारे सरकारी ऑफिसर्स को बच्चे सरकारी में पढ़ने हैं तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इन दिस पॉलिसी इंडिया अनाउंस्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने स्वयं को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित की। तो तीसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया कि भारत ने मिक्स्ड कब घोषित किया, तो हमने कहा 1948 में। तीसरा, इन दिस पॉलिसी इंडिया ऑल्सो अनाउंस एज अ ऑल्सो अनाउंस्ड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, भारत ने स्वयं को बंद अर्थव्यवस्था घोषित किया। IAS 2010 या 11 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, और अभी इस बार MTS 16 का भी है, मेक क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो क्लोज इकोनॉमी मींस नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, आयात निर्यात का न होना। नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात का न होना, ना ही आयात करेंगे और ना ही निर्यात करेंगे। सच्चाई की बात है, हम नो इंपोर्ट करते हैं, नो इंपोर्ट का रिजल्ट ये होता है कि हमसे कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, मतलब हमसे कोई नहीं मंगाता है। तो दो कारण है
क्लोज इकोनॉमी अपनाने का। एक तो था हमारा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या था? तो हिस्टोरिकल था कि हम बहुत पहले गुलाम थे, हमें हमारे कोई देश हमारे देश में आया और उसने हमें हमारे ही देश में गुलाम बना दिया, तो हम डरे हुए थे कि यदि विदेशी कंपनियों को दोबारा हम अपने लाएंगे तो हो सकता है हमारे साथ फिर अन्याय हो जाए। तो इस डर से हमने क्या किया, हमने किसी भी कंपनी को आने से मना कर दिया। जैसे नहीं कोई किराएदार हो, बाद में किराएदार मकान मालिक बन जाता है और मकान मालिक किराएदार बन जाता हो, तो जो मकान मालिक रहा है उसके आने वाले जनरेशन कभी किराएदार रखना पसंद नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा ही था ये। और दूसरा नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट वाला, एक तो हिस्टोरिकल और दूसरा एक फ्यूचर, यदि हम सब कुछ विदेशों से मंगाते रहते तो कभी हम खुद डेवलप नहीं कर पाते। इन दो कारणों से हमने क्लोज इकोनॉमी बनाया। अब तीन तरीके का क्वेश्चन हो गया, पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, किसने दी, पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या अनाउंस हुआ, क्लोज इकोनॉमी कब अनाउंस हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी कब अनाउंस हुआ, और चौथा दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस नीति को भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया एसएससी ने दो बार। हैंड रिटन नोट्स आप प्रोवाइड करवा दीजिए इकोनॉमी के, हाँ हैंड रिटन आएगा आपको, स्टडी मटेरियल सेक्शन में आएगा। तो हमने कहा कि भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो हमने कहा कि 1948 की पॉलिसी, 1948 की नीति। बल्कि सच्चाई की बात है कि इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल नोट नहीं आएगा, क्लास नोट्स ही आएगा। तो ये तो हो गया, नोट्स कब मिलेगा, क्लास के जस्ट बाद अपलोड हो जाया करेगा आपके इसी सेक्शन में। तो हमने क्या कहा कि मिक्स्ड 1948 में क्या हुआ, किसने अनाउंस किया, सारी की सारी बातें हमने यहाँ सिखा दी। अगला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति 1956। दिस पॉलिसी इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस नीति को भारतीय औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारतीय औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पेटीएम से पेमेंट हो जाती है, भारतीय औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मेरे बच्चों मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि मैग्ना कार्टा जो वर्ड आया था 1215 में ब्रिटेन में आया था, और ये बिल ऑफ राइट कहलाता है। जैसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को 1854 में, जिसने वुमेन एजुकेशन शुरू की भारत में, एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को, तो मैग्ना कार्टा वो होता है जो सबसे मेन होता है। तो इसका मतलब क्या है, 1956 की पॉलिसी हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी रही होगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है मैग्ना कार्टा किस पॉलिसी को कहते हैं, किसने अनाउंस किया, इट वाज अनाउंस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 30th अप्रैल
3 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। अब प्रश्न है कि इसमें ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो वो सीखते हैं। हमने कहा मैग्ना कार्टा इज द बेस पेपर, आधार पत्र, सबसे महत्वपूर्ण कारक, सबसे मेन फैक्टर, दैट इज मैग्ना कार्टा। जैसे आपके हमारे लाइफ की भी मैग्ना कार्टा हो सकती है, जैसे आप आए और पढ़ें और पढ़ करके ऑफिसर बन जाए तो ये आपके लाइफ का मैग्ना कार्टा डिसीजन होगा। आप आए और किसी को देखें और कोई आपको देखे और आप दोनों एक दूसरे को देखें और देखते ही चले जाए और कुछ दिन बाद घर जाके पापा को, पापा मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं किसी को ले करके आया हूँ, तो वो भी मैग्ना कार्टा होगा। यानी मैग्ना कार्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हमने कहा मैग्ना कार्टा हम पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं, निगेटिव सेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन ये पक्का होगा कि मैग्ना कार्टा सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। चलिए रिंकी सर, आपका बहुत नाम सुना था, देख भी लिया, बेस्ट एग्जांपल सर, थैंक यू मेरे बच्चे। मेरी क्लास अच्छे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, थोड़े से भी कमज़ोर हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। मेरे साथ ट्यूनिंग बनाने में 2-3 दिन लग जाएगा आपको, 2-3 दिन बाद तो आपको मज़ा आने लगेगा यदि आप कमज़ोर हैं तो, और अच्छे हैं तो अच्छी बात है। अब सीखते हैं ऐसा क्या हुआ था इस पॉलिसी में 1956 औद्योगिक नीति, वो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सरकारी उद्योग, वे इंडस्ट्री जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो। इकोनॉमिक्स में आपको जो सबसे मजा आने वाला है कि मेरे पास कहानियां बहुत हैं सर, लड़ाई को हार के कैसे जीत सकते हैं, लड़ाई को हार के आप किसी को दिल दे के जीत सकते हैं, आप बुद्ध बन के जीत सकते हैं, आप महात्मा गांधी बन के जीत सकते हैं, डिपेंड करेगा लड़ाई किस तरीके की मेरे दोस्त, किसके साथ है, ये भी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, निजी उद्योग और लाइसेंस, आठ बज के आप कहानी सुना दीजिए, 8 बजे तक नहीं है ना मेरे भाई, 6:30 से 8:30 तक है अब, हो सकता है किसी दिन 3-3 घंटे में मांगू आपसे, वो आपके परमिशन से मांगूंगा, लेकिन 2 घंटे तो आपको डेली मेरे साथ देना होगा, 8:30 से 6:30, नहीं तो ये कई महीने चला जाएगा भाई। मान लीजिए आपका कोई काम होता हो तो आप लास्ट का 1/2 घंटा छोड़ दिया करेंगे, बाद में देख लेंगे। अब मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, 2 वर्ड सीखो यहां पर, एक वर्ड होता है फर्म और एक वर्ड होता है इंडस्ट्री, उद्योग। तो हम बोलते हैं फर्म इज अ सिंगल यूनिट, एक इकाई, जैसे वोडाफोन, जेट एयरवेज, 5G क्लासेस, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक फर्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स। जैसे मैंने कहा आइडिया सेलुलर फर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा, वोडाफोन फर्म टेलीकॉम इंडस्ट्री, जेट एयरवेज फर्म एयरलाइंस इंडस्ट्री, स्पाइस जेट फर्म एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो 1956 में पहली बार क्लियर किया गया कि वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लोग काम करेंगे, वो कौन सी इंडस्ट्री जहां सिर्फ प्राइवेट काम करेंगे। तो ये पहली बार हम 1956 में कहे, 1948 में तो हमने कह दिया था कि लाइसेंसिंग होगी, लेकिन सॉरी गवर्नमेंट मिक्सड होगा, लेकिन किसके पास कौन सा होगा हमने पहली बार आकर के 1956 में क्लियर किया है। 17 इंडस्ट्री हमने गवर्नमेंट के पास रख ली, जैसे आपने बचपन में देखा हो टेलीकॉम किसके पास था, सरकार के पास,
मीडिया किसके पास था? सरकार के पास। आपने टेलीकॉम किसके पास? सरकार के पास। एयरलाइंस किसके पास? सरकार के पास। तो क्या मतलब था? वहां सिर्फ सरकार काम करेगी। कुछ थे जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम करेंगे, जिनकी संख्या थी 12। आप देखते थे बैंक भी गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट के पास, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट के पास, और स्कूल भी गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट के पास। तो ये पहली बार क्लियर कब किया गया? 1956। और प्राइवेट में ऑल अदर इंडस्ट्री, अन्य सभी उद्योग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी बच्चे को कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, रिलायंस तो इंडस्ट्री है सर। अर्थशास्त्र के प्रकार, बहुत सारे अर्थशास्त्र के प्रकार है, हम माइक्रो और मैक्रो दो तरीके के प्रकार बताएंगे। मैं और लाइसेंस फॉर ऑल इंडस्ट्री, सभी उद्योग, इकोनॉमिक्स के टर्म में रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है, रिलायंस फॉर्म है, एक कंपनी है। रिलायंस अपने आप को शो करता है अनडॉक्यूमेंट कि वी आर इंडस्ट्री, लेकिन यदि हमें इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करूं तो रिलायंस नॉट अ इंडस्ट्री, दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब जो शेयर मार्केट में आईपीओ जारी कर सकती है, पब्लिक कंपनी कह सकते हो। यस क्लियर है। 1956 में क्या हुआ? तो हमने कहा कि 17, 12 और सभी उद्योग के लिए, चाहे कुछ भी करिए, लाइसेंस आपको लेना ही लेना था। अब देखो तो सरकार ने दो गलतियां कर दी, एक 1948 और एक 1956। 48 में हमने कहा क्लोज्ड इकोनॉमी, हम किसी से कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन जब आप किसी से कुछ नहीं लेंगे तो आपसे भी कोई कुछ नहीं लेगा, तो धीरे धीरे आपका स्थिति हो जाए कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई चीजें होंगी जो आपको इंपोर्ट करनी होंगी, जैसे टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करनी थी, हमारे पास था ही नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट हमें इंपोर्ट करना था, तो देखा यह गया कि इंपोर्ट बढ़ता रहा, एक्सपोर्ट कम होता रहा, रुपए का रेट डाउन होता चला गया, डॉलर बढ़ता चला गया। और दूसरी 1956 में क्या गलती हुई है? हमने मैक्सिमम इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास रखी है। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री किस लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री में जवाबदेही नहीं होती है, सब कोई अपने अपने हिस्से के लिए काम करते हैं, अपने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने कम्फर्ट जोन के लिए। इन दोनों का रिजल्ट ये हुआ कि जुलाई 1991 तक आते आते हमारे पास 15 दिनों के व्यापार के लिए पैसे रह गए, और ऐसा लगा कि देश बैंकक्रप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो इस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ये गए कहाँ? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? एक ऐसा संस्थान जो किसी देश के इकोनॉमिक क्राइसिस में मदद करता है। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक क्राइसिस में मदद नहीं करता है, लेकिन IMF इकोनॉमिक क्राइसिस में मदद करता है। जैसा भी देख रहे होंगे पेंडेमिक आया तो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, IMF नहीं दे रहा है, वो बात की बात है, सीखेंगे आगे, ये भी सीखना है। तो IMF के पास चले गए कि हमें पैसे चाहिए, उन्होंने कहा पैसे दे तो देंगे, कुछ कंडीशन है। IMF के क्या प्रॉब्लम है? वो विदाउट कंडीशन लोन नहीं देते हैं। हमने कहा चीज कंडीशन बताओ, उन्होंने कहा कि आपकी गलती है कि आपने हर चीज क्लोज किया है, आप क्या करिए ओपन करिए, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए। इस ओपन करने को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्लोज में हमारा देश अपनी जरूरत खुद ही पूरा करता है, ओपन में हम क्या करते हैं? एक देश के दूसरे देश के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। दूसरा, हमने कहा आप तो दे दो, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सब चीज तो अपने पास रख लिया है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही, लॉस पे लॉस जाता रह जा रहा, आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है, टैक्स आ ही नहीं रहा आपके पास, क्वालिटी है ही नहीं। तो हम बोला, फिर बोला प्राइवेट करो, जल्दी जल्दी निजी को प्रमोट करो। हमने कहा चलो ये भी कर लिया, आप तो दे दो। कहा नहीं, एक तीसरी गलती भी, आप हर चीज के लिए तो लाइसेंस मांगते हो, रिजल्ट ये हुआ कि आप व्यक्ति काम करने जाता है उससे ज्यादा डरने लगता है। इसे लाइसेंसिंग को टफ करना हो, आपके एग्जाम को टफ करना हो, जैसा भी क्या है, एक इजी का प्रोसेस है, आप ग्रेजुएट हो या फॉर्म भर दीजिए, टफ करना हो तो क्या कर दें कि वही फॉर्म भरेगा जिसका ग्रेजुएशन में 65% हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 70% हो, मिनिमम एज 23 और मैक्सिमम एज 25 ईयर, वही फॉर्म भरेगा जिसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो, वही फॉर्म भरेगा जिसके घर में 3 लोग गवर्नमेंट जॉब में हो,
वही फॉर्म भरेगा जिसके पास दसवीं में मैथ भी रहा हो, हिंदी भी रहा हो, ऐसे ऐसे कंडीशन ला दे तो धीरे धीरे क्या मतलब है, कोई फॉर्म नहीं भरेगा। लाइसेंसिंग में यही था, हर चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। कहा कि आपने स्थिति इतनी टफ कर दी कि व्यक्ति डरने लगा है प्रोडक्शन से। इस सीन को आप गुरु मूवी में देख सकते हो, अभिषेक बच्चन की लाइफ एक ही मूवी है जो आप देख सकते हैं, दैट इज गुरु। उसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ तक परमिशन था कि आपको इतना मीटर ही कपड़े का लाइसेंस दिया गया तो इतना ही बनाएगा। हो सकता है आपकी डिमांड ज़्यादा है, आप स्कूटर बनाने कंपनी आपके स्कूटर की डिमांड है 6 लाख, लेकिन आप बना सकते 50,000। तो हमने बोला, फिर बोला आप पॉलिसी को लिबरल करो, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इजी गवर्नमेंट पॉलिसी। इसी को आपने सुना होगा एलपीजी पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का एक एग्जांपल देखो, क्या लग रहा है, मोबाइल हमारे देश में नया है? तो जवाब है नहीं, बहुत पुराना है। क्या कांग्रेस की नीतियां गलत थी सरकार में, निकम्मे बीजेपी वाले? कांग्रेस की तरीके से थोड़ी नहीं सोचेगा, बीजेपी के तरीके से सोचेगा क्या? आप सोचे देश और देश की सरकार की तरीके से। कांग्रेस और बीजेपी क्या होती है? आप अपने दिमाग को सोशल मीडिया से दूर रखें। यहाँ तक कहा है कि अभी सरकार ने कि जो मजदूर पलायन करें इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या मैं कह दूं कि आज आप आईएएस की तैयारी नहीं करें इसके पीछे आपके गाँव वालों कहाँ थे? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। तो कांग्रेस को आप दोष नहीं दे सकते, मैं कांग्रेसी नहीं हूं। तो हमने कहा क्या मोबाइल नया है? तो जवाब है नहीं, मोबाइल बहुत पहले भी था, लेकिन पहले मोबाइल हमारी औकात में नहीं था। पहले इनकमिंग कॉल 32 रुपीज पर मिनट, आउटगोइंग कॉल 96 रुपीज पर मिनट। तो लोग मोबाइल नहीं रखते, तो उनको मोबाइल क्या है, तो गलत चीज है। लेकिन अब धीरे धीरे मोबाइल सस्ता हुआ तो हम सबकी जरूरतों में शामिल हो गए। तो ऐसा क्या हुआ? तो पहले सरकार ही सभी चीज़ का रेट डिसाइड करती थी। मान लो सरकार ने कहा कि 100 रुपये पर कॉल, उन्होंने कहा जी 90 रुपीज तो कॉस्ट आ रहा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं 10 रुपीज तो कमा रहे बहुत है। नेक्स्ट ईयर कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ने दिया गया, कंपनी का प्रॉफिट कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट कम होता चला गया, कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। आप कांग्रेस बीजेपी के तरीके से मत सोचे, आप क्यों कह रहे हैं कांग्रेस वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी थी, आप देश के पॉइंट से सोचे। तब देश को इस पॉलिसी की जरूरत है, आज देश को प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। पढ़ेंगे हम सारा कुछ, अभी रुक जाइए थोड़ी देर बस। तो ये अब कंपनी क्या प्रोडक्शन करना पसंद करेंगे? जवाब है नहीं, कंपनी का प्रॉफिट कम है। तो कंपनी धीरे धीरे बंद होने लगी, कंपनियां ब्लैक करने लगी। आपको सीमेंट चाहिए तो 3 साल पहले नंबर लगता था, गाड़ी चाहिए तो 5-5 साल नंबर, क्यों? कंपनी प्रोडक्शन ही नहीं करती थी। अब सरकार ने लिबरलाइज हो कहा कि यार तुम अपने से रेट डिसाइड करो, हमें दिक्कत नहीं। अब कंपनी को लगा यार अब हम कमा सकते हैं, तो कंपनी ने टेक्नोलॉजी लाई, तकनीक को लाया गया, प्रोडक्शन कॉस्ट टेक्नोलॉजी लगाने से 80 रुपीज हुआ, कंपनी का प्रॉफिट 10 रुपीज हुआ, और हमें आपको प्रोडक्ट 90 रुपीज का मिला। ये है लिबरलाइजेशन के बाद का परिणाम। क्या मतलब पहले मोबाइल कंपनी ज्यादा कमाती? जवाब नहीं, अब कमा रही है। तो इसी को हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। और ये कब आई थी? 1991, 24 जुलाई। और यहाँ पर बड़ा परिवर्तन किया गया, और यहाँ पर 8 इंडस्ट्री सरकार ने अपने पास रखी, 8 उद्योग, और बाकी सारा का सारा ऑल अदर इंडस्ट्री दे दिया प्राइवेट को कि लो आप चलाओ, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम भी आ जाएंगे, बाकी आप ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। और लाइसेंसिंग के लिए सिर्फ 18 इंडस्ट्री रखी गई। और आज कितना तारीख है? तो आज है 28 मई। सर मैं 12वीं में हूँ। तो 12वीं में हो तो क्यों ज्वाइन करो इस बैच को? बिल्कुल मत करो, जी लो अभी कुछ दिन, ऐसा मत करो मेरे भाई, अभी तुम्हारे जीने का टाइम है, कुछ मस्ती मजाक कर लो लाइफ में, ग्रेजुएशन के बाद तो फिर करना ही है। मत करो अपने साथ ऐसा मेरे दोस्त, बहुत गम है दुनिया में आगे है। 28 मई 2020 को क्या स्थिति है, कितनी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास है? तो गवर्नमेंट के पास 2 इंडस्ट्री है। 12वीं जो कर रहा है वो बिल्कुल इस बैच को नहीं ज्वाइन करना, कुछ नहीं समझ में आएगा, परेशान खुद भी होगे, हमें भी करोगे। तो 2 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं बता सकते हैं? वो इंडस्ट्री जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही अपनी कंपनी खोलेगी, तो पहला, दूसरा
एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट करना सही था, प्राइवेट करना सही था, लेकिन उसको सही तरीके से लागू किया गया नहीं किया गया, ये प्रश्न है अपने आप में। एजुकेशन तो जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए उतना ही बेहतर है। एक तो रेलवे, देखो एक बात लाइफ में ध्यान रखना, कोई फैसला गलत या सही नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा प्रोडक्शन, उसका इम्प्लीमेंटेशन मेन काम करता है। आपने एसएससी करने का फैसला लिया गलत थोड़ी ना, आपने आईएएस करने का फैसला लिया गलत थोड़ी ना, आप उसको कितने जज्बे के साथ उसको लागू करने की कोशिश करते, दैट इज डिसाइड होगा कि आपका फैसला सही था गलत था। तो सारे फैसले सही हो सकते हैं, उसको आप कितनी, क्योंकि फैसले लिए ही जाते हैं बेहतरी के लिए। कोई ऐसा सुना कि उन्होंने अपने बर्बादी के लिए फैसला ले, नहीं, अब उसको एग्जीक्यूट कर पाए नहीं कर पाए वो बात की बात है। मेरी क्षमता प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखूँ तो ये मैं अपने आप से अन्याय कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ है। तो प्राइवेट करना एजुकेशन को गलत था, नहीं था गलत तो बिल्कुल नहीं था। अब वो गलत हो गया, उसके पीछे क्या कारण है? तो मैंने लाइसेंस ले लिया हॉस्पिटल खोलने का और 12,000 का टीचर रख लिया, तो बीटेक तो ऐसे ही पैदा करूँगा मैं। और 5 इंडस्ट्री हैं जहाँ पर आज की डेट में लाइसेंस है। सर समझ आ रहा है, स्टार्टिंग में सभी डिसीजन अच्छे के लिए लिए जाते हैं, स्टार्टिंग में क्या, बाद में भी जो डिसीजन लेते हैं वो भी अच्छे के लिए लिए जाते हैं। डिसीजन होते ही अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए। सर इसरो किसी इंडस्ट्री में आएगा क्या? हाँ डिफेंस इंडस्ट्री में आएगा इसरो, जो कर रहा है रिलायंस भी आजकल कर रहा है मेरे भाई। और 5 इंडस्ट्री कौन कौन से, उनका नाम लिख लो एक बार। प्रोडक्शन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू उत्पादों का उत्पादन। तंबाकू आप समझते होंगे, कुछ लोग महसूस भी करते होंगे, जिसको हम सिगरेट, सिगार, गुटखा कहते हैं। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहलिक प्रोडक्ट एल्कोहलिक प्रोडक्ट आप भी समझते होंगे, बिहार वाले नहीं समझ पाते होंगे, उनके वहां बैन कर दिया गया। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरणों का उत्पादन, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, ये सब। अगला प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन, और 5वां प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, खतरनाक रसायनों का उत्पादन, पेस्टिसाइड और इस तरीके से। प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, HAL एंड DRDO। HAL जो कार्य कर रहे हैं वो टाटा नहीं कर रहे हैं, DRDO जो कार्य कर रहे हैं रिलायंस नहीं कर रहे, कर रहे लाइसेंस वाला समझने। लाइसेंस वाला समझ का मतलब क्या है कि बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के आप इस तरीके का कोई कार्य नहीं करेंगे जिन पांचों का नाम दिया गया। इसके अलावा आप जो भी लाइसेंस सुनते हैं वो स्टेट लेवल पर है, ये सिर्फ फंसाने फंसाने का काम होता है, हर चीज़ का परमिशन लेना, जिसको कॉमरेड टेपिज्म कहते हैं। कोचिंग खोलने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, बल्कि सच्चाई की बात ये, लेकिन वो स्टेट लेवल पे है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? देश कैसे चला था, देश कहाँ तक पहुँचा? देश शुरू में मिक्स था, लेकिन शुरू वाले में क्या था, ज़्यादा फोकस किस पे था? सोशलिज्म पर। आज के देश में भी हम सोशलिस्ट मिक्सड हैं, लेकिन आज हमारा ज़्यादा फोकस किस पर है? कैपिटलिज्म पर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म। सर ये जो सरकार कभी भी कुछ भी बेच रही है,
क्या राइट है? अब ये डिपेंड करेगा कि आपने जो जमीन बेची है उसको बेच करके वो पैसा क्या किया। ये डिपेंड करेगा कि आपके आपकी एक दुकान थी, उससे घाटा हो रहा था, तो आप उसको बेचे ना बेचे, ये अपने आप में डिस्प्यूट का मुद्दा है। दूसरा, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप साथ में बिजनेस करें ना करें, ये भी डिस्कशन का मुद्दा है। यानी सरकार फैसिलिटेटर के रूप में हो, प्रोड्यूसर के रूप में हो, ये अपने आप में एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। मनीष क्या करे? नहीं नहीं क्या, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकारें जो बीच बीच में बेच रही हैं कंपनियां, वो ठीक है नहीं। अब एक बार देखते हैं दोबारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, पहला, दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस नीति घोषणा मनमोहन सिंह ने की थी ऑन 24 जुलाई 1991। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दिस पॉलिसी इज नोन एज राव मनमोहन मॉडल। इस नीति को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। राव कौन? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो प्रधानमंत्री, और मनमोहन कौन जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दिस पॉलिसी इज नोन एज एलपीजी पॉलिसी, इसे एलपीजी नीति भी कहते हैं। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया सीपीओएसआई में कि 1991 में क्या नहीं किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और केंद्रीकरण। तो आप देख लो तीन कौन सा किया गया था, फिर पूछा गया था एक बार क्या किया गया था, तो ऐसे कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, दिस पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, क्योंकि पुरानी पॉलिसी से हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया था, यू टर्न ले लिया था, नई आर्थिक नीति। चौथा, दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। इस नीति को आर्थिक सुधार नीति भी कहते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा क्लास, कैसे इकोनॉमी शुरू हुई थी, कैसे बनी, और आज हम किस रूप में। ये यूपीपीसीएस में कई बार आया कि प्रधानमंत्री कौन था उस समय, कई क्वेश्चन इस क्लास से आप कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरे बच्चों कि इकोनॉमिक्स की पहली क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। अब इसमें कहीं किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज कल से हम प्रॉपर टॉपिक शुरू करेंगे। 2 घंटे की क्लास होगी परसों से, और इस क्लास की जो टाइम डेट है वो है TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे और संडे, इको का पॉलिटी का हम जो रखेंगे वो रखेंगे MWF 6:30 से 8:30। और जैसे ही इसमें से एक सब्जेक्ट कोई सा भी खत्म होगा, पॉलिटी जब हालांकि खत्म हो जाएगा, फेरा और फेमा नहीं आएगा क्या? फेरा और फेमा आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में। खतरनाक सर। और जैसे ही इसमें से एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, हम तुरंत शुरू करेंगे आपके साथ क्या क्या नाम है, स्टैटिक जीके, क्योंकि आजकल उसका बहुत बड़ा रोल है, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर संडे मत रखो प्लीज सर, एक बार एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए अभी, चलने दो, मतलब मेरे बच्चे बड़ी मेहनत करो। हम लोग ALS में कोचिंग करते थे, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होता था, गुरुकुल में भी हम किसी दिन छुट्टी नहीं देते, सिर्फ संडे देते। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा मेहनत करिए, कुछ दिन जब थोड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा तो संडे आपको ऑफ करेंगे, अभी थोड़ा सा करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स, मतलब मेरा उम्मीद है कि 100 घंटा ना चला जाए, इतना ज़्यादा है, क्योंकि आप पूछेंगे और बिना बताए मैं रहूँगा नहीं, डांट जरूर दूंगा लेकिन बताऊँगा जरूर। लाइफ में पहली बार इको पढ़ी और मज़ा आया, सब समझ में आ गया। ज्योग्राफी का भी प्लान है, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री सारे का प्लान है, हम कोशिश ये कर रहे हैं
कि स्टैटिक जीके में आपको इतने अच्छे से सब कुछ करा दें कि आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर सारा करा दूंगा मैं, आप उसकी टेंशन ना लें, एक एक करके मजबूती से करें। बस मैंने जो कहा था कि एक बार पढ़ना है दोबारा नहीं पढ़ना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा। स्टैटिक जीके में कितना टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि उसमें सब कुछ आता है, मुझे हिस्ट्री का मेन पॉइंट उठाना होगा, ज्योग्राफी का भी उठाना होगा। 4 साल बाद पढ़ के आपसे बहुत मज़ा आ रहा है, आपका साउंड बढ़िया लग रहा है, थैंक यू मेरे बच्चे चेतन। चलें आज के लिए यहीं पे सेशन को ख़त्म करेंगे, एनर्जी के साथ रहिए, खूब मेहनत करिए, और ये मतलब अपने आप से और हर उस व्यक्ति से जिसने आप पे भरोसा किया है, हारना नहीं है किसी भी तरीके से करके। और अभी हमारी हार जीत का फैसला कैसे हो रहा है, नौकरी के बेस पे, तो वो तो हम ले ही लेंगे, शर्त ये है कि आपको मेहनत करना होगा और उसमें आप हमारा